मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एसआई 2बी में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिए थे। आज हम 7 से 9 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें दे रखा है सातवां प्रश्न 5 की घात 5 8 की घात 5 का सलतम रूप होगा। जब हमें कहीं पर भी दो संख्याएं गुणा में दी होती हैं और अगर आधार समान न होकर घातांक समान होता है तो उन घातांकों को भी हम कॉमन ले लेते हैं और उसे केवल एक बार कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा 5 8 40 और 40 की घात हो जाएगी 5, और ये ऑप्शन आपका मैच हो रहा है पहला वाला। ठीक है, दूसरे सवाल में दे रखा है -3 -3, जिसमें घात कितनी है 4 और 2। घात जो है भाग में क्या होता है, घट जाती है, इसलिए -3 की घात 4 -2 यानी -3 की घात हो जाएगी 2। और -3 -3 जब दो बार गुणा कराएंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 9, वो भी धनात्मक, तो इसका आंसर आएगा थर्ड। प्रश्न नंबर नौ में दे रखा है 4 × 5 और 5 × 4। आप देख रहे हैं इनमें जो घातें हैं वो कुछ इस तरीके से दे रखी हैं, जिसमें एक पे 2 घात है और दूसरा 5 है, एक में 5 है और एक में 4 है, तो हम इसको हल भी कर सकते हैं। जैसे कि 4 × 5 × 5, फिर प्लस का चिन्ह, 5 × 4 × 4, पहले हम गुणा का सवाल हल करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम प्लस करते हैं। तो 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100, फिर प्लस, ये हो जाएगा 5 × 20, 20 × 80, तो ये हो जाएगा जोड़ के हमारा 180, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 180। ठीक है, जो कि आंसर आपका चौथे ऑप्शन में दे रखा है।